2004 का मॉडल है टोयोटा सर्फ। और 2004 के मॉडल की सिविक गाड़ी चेक करें। ऑल्टो की आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा डिमांड। हवा बढ़ने वाला पंप भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा ऑल्टो के अंदर, और जैक वगैरह भी न्यू इसके अंदर मिल जाएगा। 2003 के मॉडल की बलिनो, 2010-13 की रजिस्ट्रेशन है वाइट कलर के अंदर। विड्स 95 के मॉडल की खैबर ओरिजिनल कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहवेज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश शाहवेज। आज मैं मौजूद हूं गाड़ियों की मार्केट में, संडे कार मेला मतलब गाड़ियों की ही मार्केट है। लोकेशन में आपको बता दूँ, यूपी मोड़ की तरफ ये गाड़ियों की मार्केट लगती है, न्यू कराची का इलाका भी कहलाता है। चलते हैं पहले गाड़ी के रिव्यू की तरफ, उससे पहले आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। चलते हैं पहले गाड़ी के रिव्यू की तरफ। 2004 का मॉडल है टोयोटा सर्फ और रीज़नेबल प्राइस है, प्राइस बहुत कम है, 34 लाख रुपये डिमांड की जा रही है। कमी बेशी गाड़ी के अंदर हो जाएगी, माशाल्लाह भरमबाज गाड़ी है, देख सकते हैं बम्पर वगैरह वैसे ओके हालत के अंदर मिल जाएगा। एक तरफ जो इसकी लाइट है, नहीं है मैं समझा, यहाँ की लाइट नहीं दिख रही मुझे यहाँ से, ये देख सकते हैं लाइटें ओके हालत के अंदर मिल जाएगी, और ये एक्स्ट्रा लाइट और आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ्रंट की ग्रिल मैं आपको दिखा दूँ, वो भी ओके है। लाइटें वगैरह आपको मजीद में दिखा दूँ, ये देख सकते हैं फ्रंट पर बोनेट भी ओके कंडीशन के अंदर बोनेट आपको मिल जाएगा। आए दूसरी साइड विजिट करते हैं, पहले शीशा मैं आपको दिखा दूं शीशा किस कंडीशन के अंदर है। इस तरफ से आप अगर गाड़ी को विजिट कर सकते हैं ओके हालत के अंदर ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं टायर वगैरह जो है काफ़ी चौड़े, और ग्रुपिंग जो इसकी टायर की प्लाई है वो देख सकते हैं काफ़ी जो ज़्यादा है। यहाँ से अलॉय रिम भी इसमें लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं गाड़ी का नाम भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्फ, ये देख सकते हैं। किसी किस्म का वो निशान वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से भी मज़ीद आप लोग गाड़ी विजिट कर सकते हैं, ये देखते हैं अलॉय रिम इसके अंदर लगे हुए हैं। एप्पल का लोगो है, जहाँ पे एप्पल आ जाए आईफोन 14 मिल रहा है 7 लाख रुपए का ड्यूटी के साथ, तो 7 लाख रुपए वैसे गाड़ी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इस तरफ से गाड़ी को विजिट कर सकते हैं। स्पेयर व्हील ये इसके अंदर लगा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्क्रैच मजीद नहीं दिखाई दे रहा। हाईलेक्स सर्फ टोयोटा, ये देख सकते हैं SSRG, ये आपको मैंने पढ़ के भी बता दिया। पावर रियर अंडर मिरर पढ़ने में मिस्टेक हो गई। यहाँ से आप लोगों ने गाड़ी विजिट किया, आएँ दूसरी साइड विजिट करें। यहाँ से भी गाड़ी को आप देख सकते हैं, देखें टायर वगैरह ओके हैं, ठीक है। यहाँ का फेंडर दरवाजे वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँ। इंटीरियर भी विजिट करेंगे, यहाँ से टायर वगैरह देख लें, अलॉय रिम के साथ ये टायर मिलेगा। छत भी आपको दिखाते चलें, अगर छत पर सनरूफ है वो भी आप देख सकते हैं, सनरूफ की सहूलत भी अंदर मिल जाएगी। इंटीरियर में आपको दिखा दूँ, फिर चलते हैं इंजन रूम की तरफ, फिर ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। पीछे की स्पेस दिखा दूँ, सीट्स की देख सकते हैं, 7 सीटर है आई थिंक गाड़ी है। तो चलते हैं बस इंजन रूम की तरफ, हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इंजन रूम इसके अंदर है, और इसका जो बोनेट का वज़न है, मैंने फ़िलहाल स्टैंड नहीं लगाया क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता इंजन रूम की, क्योंकि इतनी गहराइयों में नहीं जाते, ठीक है। ज़्यादा गहराइयों में जाएंगे डूब जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं दो बैटरी आपको मिल जाएंगी यहाँ डायवो की, और बड़ी बैटरी हैं। यहाँ से आप लोगों ने टोटली इंजन रूम विजिट किया, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और चौड़ा इंजन रूम है। वो देख सकते हैं कॉर्नर पर आपको टिकली भी दिख गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलते हैं ऑनर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम भाई? आतिफ नाम है भाई जी। क्या मॉडल है ये गाड़ी, कौन सा मॉडल है भाई जी? ने 2001 की है सर्फ, टोयोटा सर्फ जी, और 2008 की रजिस्ट्रेशन है, और 2008 की पोर्ट है कराची, ठीक है। और इसके अंदर अपना इंजन ही है इसका, अपनी बॉडी है, जेन्युइन बॉडी, जेन्युइन इंजन है इसका, टायर ब्रांड न्यू है, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ इसको डिलीवरी टायर को, ठीक है। CPLC क्लियर है इसमें, 100% सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स 100% ओके। अच्छा, इसमें AC भी वर्किंग में, सारी चीज़ें। अच्छा, इसका ये जो सनरूफ है कौन सा है, पैनोरामिक एक आता है दूसरा वाला, या ये नॉर्मल सनरूफ है? नॉर्मल, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की? 34 लाख भाई। एक कमी बेशी फाइनल, या कोई आपके चैनल से आ जाएगा तो हम कर देंगे भाई, कमी बेशी हो जाएगी चैनल के थ्रू, ठीक है। फ़ोन नंबर बता दें, 0335-233-9980। ओके, आपकी लोकेशन कोई गाड़ी विजिट करने आए? गुलिस्तान जौहर भाई, ब्लॉक 1। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 2004 के मॉडल की सिविक गाड़ी चेक करें, नीचे लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट्स आपको यहाँ से मैं दिखा दूँ, दो ब्लू ब्लू कलर की लाइटें आपको दिख रही होंगी। लाइट का जो केसिंग है वो ब्लू है, लाइटें पता नहीं किस कलर की हैं। ये देख सकते हैं बम्पर वाली साइड पे ज़्यादा स्क्रैच हैं, क्योंकि ये वाली जो फ्रंट जो इसकी साइड है ना वो आगे से बहुत ज़्यादा बैठ गई, और कराची के रोड आपको पता है जंप 3-3 इंच के भी जंप पाकिस्तानी के कराची के अंदर बनाए हुए, ठीक है। ये देख सकते हैं ग्रिल ओके है, वैसे कहीं टूटी वूटी नहीं है। जो बम्पर है कलर निकल गया है, और जैसे पेंट के अंदर इसके दरार वगैरह आपको दिख रही होंगी। लाइटों का दोनों का कलर फेड हो गया है, इसमें हल्का सा क्रैक आपको दिख रहा होगा। ये बोनेट में आपको दिखा दूँ, बोनेट पे वैसे कि स्क्रैच तो नहीं है, यहाँ से कलर अगेन कलर जो है इसका पेंट जो है फट गया है। आएँ ये वाली साइड विज़िट करें,
ये देख सकते हैं बम्पर पे फिर से स्क्रैच और कलर निकल गया। ठीक है, ये देख सकते हैं अलॉय रिम भी इसके अंदर लगे हुए हैं। टायर जो है 50% अभी भी टायर ओके हैं। यहाँ से दरवाज़े पे देख सकते हैं ये निशान वगैरह आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से देख सकते हैं मामूली सा टचअप आपको दिख रहा हो, मामूली तो नहीं कहलाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैच वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ से दरवाज़ा हल्का सा कलर जो है इसका भूल गया और हल्का सा जंग भी आ गया। ठीक है, ये देख सकते हैं अलॉय रिम यहाँ पे भी आपको लगे हुए मिलेंगे। और जो पीछे के जो फेंडर है ये वाला, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं पीछे की जो लाइट्स हैं, वैसे ये वाली लाइट तो ओके है, वाली जो लाइट है वाली क्रैक है, अगर नहीं दिख रही मैं मज़ीद आपको दिखाऊँगा, टेंशन ना लें। बम्पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, बम्पर पे निशान थोड़े ज़्यादा हैं और कलर निकल गया है। ये वाली साइड भी देख सकते हैं, ये देखें लाइट जो क्रैक है मैं आपको बता रहा था अभी, ये देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ये वाली हिस्सा जो है तकरीबन वैसे जेन्युइन है। इस साइड को आपको विज़िट कराऊं मैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्क्रैच वगैरह है कि नहीं वो आप खुद देखें, आपको दिख भी रहा होगा। ये देख सकते हैं स्क्रैच वगैरह ये दिख रहे हैं आपको। ये साइड आपने टोटली विज़िट की, इंटीरियर विज़िट करा दो, इंटीरियर देख सकते हैं एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है और ऑटोमेटिक है गाड़ी। ठीक है, ये देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग भी है और डैशबोर्ड पे हल्के फुल के ये देख सकते हैं निशान आपको दिख रहे होंगे। तो गाड़ी के साथ आपको मिलेगा एक कवर, कौन सा कवर? पेट्रोल पुल, आईफोन का कवर तो नहीं है? ठीक हो गया, गाड़ी का कवर होगा, मैं खुश हो गया, मैंने कहा आईफोन का कवर मिल रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से आप लोगों ने गाड़ी विज़िट की, इंजन रूम विज़िट करते हैं। इंजन रूम देखें, इंजन रूम वैसे जेन्युइन और साफ़ हालत के अंदर इंजन रूम आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं टिकली इसकी ये लगी हुई, कुप्पे ये होते हैं कुप्पे, ये मैं बता दूं आप लोगों को, कुप्पे बहुत ही, मैंने आपको अलग ही बात आज आपको बता दी, किसी ने नहीं बताया कुप्पे क्या होते हैं। ये ओसा का बेटी आप लोग को दिख रही होगी, इंजन में ऑयल की लीकेज नहीं दिखाई दे रही। ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं कलर इसका निकल गया, चलते हैं ऑनर की तरफ। तो फाइनली आपके भाई ने भी सिविक ले ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मैं मजाक कर दिया, कैसे हैं भाई? ठीक है दोस्त, क्या मॉडल है सिविक? बोस ये 2004 मॉडल है। 2004 जी। सीपीएलसी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। टैक्स पे है? टैक्स पे है। अच्छा, इसका इंजन अपना लगा हुआ है? जी बिल्कुल अपना इंजन लगा हुआ है, अपना इंजन है। ठीक है, इंजन में किसी किस्म का कोई काम? कोई काम नहीं है। एसी वर्किंग में हर चीज़ इसकी वर्किंग में, कोई इसमें हमने पोल नहीं रखा क्योंकि ये मेरे दादा की गाड़ी है। दादा की है? जी, यार जी। दादा की लोग तो इतनी चीज़ें संभाल के रखते हैं, आप बेचने निकले हो। संभाल के ही रखी है, मैं खरीद दादा गए और चीज रख लूंगा। ठीक है, फाइनल डिमांड क्या कर रहे हो? फाइनल डिमांड इसकी हम कर रहे हैं 10 कमी पेशी, थोड़ी बहुत कमी पेशी अगर आपके तवस्सो से कोई आएगा तो उससे तक कमी पेशी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फोन नंबर बता दें। फोन नंबर है 03101135761। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यार थोड़ा हमने बोला गाड़ी का मसा ले लें, हम भी बैठ गए, चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी के रिव्यू की तरफ। ऑल्टो की आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा डिमांड, ऑटोमेटिक 2021 गाड़ी चेक करें। ठीक है, बम्पर वगैरह आप लोग देख सकते हैं ओके हालत के अंदर बम्पर आपको मिलेगा, फ्रंट की लाइट दोनों ओके हालत के अंदर मिल जाएंगी। और जो इसका जो फ्रंट का बोनेट है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, कोई स्क्रैच वगैरह इतना ख़ास नहीं दिखाई दे रहा, बस बिल्कुल हल्का सा ये मकड़ी का जाला टाइप जैसा निशान है, इतना सा निशान आपको इस गाड़ी पे मिलेगा। उसके अलावा टोटली गाड़ी जो है 2021 है, न्यू है, कहीं निशान बनता नहीं है। दूसरी साइड विज़िट करते हैं, ये साइड गाड़ी की विज़िट करें देखें तो कोई ख़ास क्या कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। ये देख सकते हैं टायर, न्यू टायर होंगे इसके अंदर, इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि न्यू कार है 2021, अभी 2022 चल रहा है। ये देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे डेंट आया हुआ है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। टाइम वेस्ट किए करे बगैर यहाँ से चलते हैं बैक की तरफ, ये साइड भी विज़िट कर सकते हैं देखें आप लोग। ठीक है, लाइटें न्यू हैं, हर चीज़ पूरी गाड़ी न्यू है यार, ऑल्टो VXL ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी तकरीबन गाड़ी न्यू कंडीशन के अंदर ये गाड़ी आपको मिलेगी। शीशा वगैरह भी देख लें, कहीं से स्क्रैच नहीं आया होगा। अरे यहाँ कैसे गाड़ी की पूरी लुक ख़राब कर दी, हल्का सा निशान वगैरह आपको दिख रहा होगा। ये वाली साइड भी मज़ीद आप लोग गाड़ी विज़िट कर सकते हैं, यहाँ से देखें कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है इस तरफ, लाइट वगैरह ओके है। ये वाली इंटीरियर विज़िट करते हैं गाड़ी का, इंटीरियर देखें ब्लैक और मिट्टी कलर का इसका जो है इंटीरियर, डैशबोर्ड और डोर्स वगैरह इसके जो दिए गए हैं वो दो कलर के अंदर हैं और जो सीट्स का कलर है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। ठीक है, पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है और ऑटोमेटिक है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को टोटली सीट्स वगैरह भी मज़ीद गाड़ी की दिखा दूँ, बैक की सीट्स भी किस कंडीशन में वो आप खुद देख लें, कंफर्टेबल सीट्स जो इसकी लगती हैं और माशाल्लाह एंड्रॉयड पैनल भी इसमें लगा हुआ मिल जाएगा। इंजन रूम विज़िट करते हैं फिर ऑनर से बात करते हैं। इंजन रूम देख सकते हैं, इंजन रूम पूरा नीट एंड क्लीन हालत में मिलेगा। आई थिंक लगता है इसकी तो पहली सर्विस भी नहीं हुई। ठीक है,
ये देखें कुप्पे वगैरह जानदार हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू कार है। आप लोग भूलेंगे, जाहिर सी बात है नई कार है, कुप्पे तो जानदार होंगे। बताऊंगा कुछ भी नहीं, आप खुद देख लें, लेकिन बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, थोड़ा उसका एहतराम करते हैं। अजान का बैटरी वगैरह देख लें, ये देख सकते हैं बैक पे ब्रांड न्यू है, ठीक है। ये देख सकते हैं, अच्छा ये क्या चीज़ है इसकी? हवा भरने का पंप है ना? अच्छा हवा भर ये अभी आने लगा है साथ। एयर पंप है, जैक है, ठीक है। ये हवा भरने वाला पंप भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा ऑल्टो के अंदर, और जैक वगैरह भी न्यू इसके अंदर मिल जाएगा। अच्छा ये क्या चीज़ है? एक और पंचर किट होगी। पंचर किट, ठीक है। चलें यार, अगली गाड़ी आपने विजिट की तो ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो सामने नहीं आना चाह रहे। हमने कहा चलो ओनर की वॉइस ले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। क्या नाम भाई आपका? यासिर। यासिर भाई क्या मॉडल है ऑल्टो? 2021 मॉडल है। अच्छा बाहर से कोई टचअप वचअप हल्का फुल्का? नहीं, पूरी ओरिजिनल है। पूरी ओरिजिनल है, ठीक है। CPLC क्लियर है इसका? 100% टैक्स पे है। टैक्स भी क्लियर है। AC वगैरह सब वर्किंग के अंदर है ना? ब्रांड न्यू है गाड़ी। ब्रांड न्यू है, ठीक है। फ़ोन नंबर बता दें और डिमांड क्या करें पहले गाड़ी की? गाड़ी की डिमांड है 23 लाख रुपये। 23 लाख, थोड़ी बहुत कमी बेशी बिल्कुल हाँ हो जाएगी, ठीक है। फ़ोन नंबर बता दें? 0335-240-6102। थैंक यू भाई। 2003 के मॉडल की बलिनो है हमारे पास, तकरीबन गाड़ी जो है जेन्युइन हालत में, बस हल्का फुल्का इस पर टचअप बताया जा रहा है। इस तरह मैं ऐसे ऐसे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि धूप का शेड पड़ा होगा, होप आपको गाड़ी भी क्लियरली नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं बम्पर वगैरह वैसे सही हालत के अंदर है, कोई इतना खास स्क्रैच वगैरह नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। AC भी ऑन है, ठीक है गाड़ी के अंदर। ये देख सकते हैं लाइटें, दो एक्स्ट्रा लाइटें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। नंबर प्लेट का जस्ट कलर हो गया फेड, ठीक है। ये देख सकते हैं फ्रंट की ग्रिल ओके हालत के अंदर है। ये देख सकते हैं ये हल्का सा, इस पर हल्का सा कलर इसका जो है फूल गया था, ठीक है। ये देख सकते हैं बोनेट वैसे ओके हालत के अंदर बोनेट हमें मिलेगा। ये साइड विजिट कर सकते हैं, फेंडर दिखा दूँ, फेंडर पे ये स्टार बना हुआ ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कलर इसका नहीं निकला, ये हल्के फुल्के 3-4 धब्बे इस पर पड़े हुए। टायर देख सकते हैं नॉर्मल सी स्टपनी है और नॉर्मल से टायर इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको मैं गाड़ी विजिट कराऊँ, ये देख सकते हैं हल्के फुल्के निशान इस तरफ आपको मिलेंगे। बैक की जो डोर्स हैं वो भी आपको दिखा दें, नीचे वाली साइड देख सकते हैं। इसकी सीट हैं वो न्यू बाइक है बनी है, वो भी आपको मैं विजिट कराता हूँ। चलें ये देख सकते हैं, पहले ये हल्का सा इसका कलर निकल गया, ठीक है। ये देख सकते हैं इसकी जो सीट्स हैं भाई कह रहे हैं न्यू बनवाई हैं भाई ने खुद, माशाल्लाह। सीट्स देख सकते हैं ब्लैक हैं, फुली ब्लैक, और बहुत ही कंफर्टेबल जो सीट्स मुझे लगती हैं वो हैं। और पावर विंडो की सहूलत भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। आए बैक विजिट करते हैं, ये बैक देख सकते हैं, बैक की जो लाइट्स हैं उनको दोनों पर ब्लैक कलर का पेपर दे दिया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और जो इसका बम्पर है वैसे ओके है, हल्का फुल्का जो कलर है ना इस, ये डैमेज हुआ हुआ है, बम्पर डैमेज नहीं है, मतलब कलर इसका जो फट गया, ठीक है। नंबर प्लेट देख सकते हैं कलर निकल गया है, ये चीज़ ओके है भाई कह रहे, मतलब सॉरी ओके नहीं, मतलब ये जो चीज़ है ना ओरिजिनल हालत के अंदर ही देख सकते हैं। आए दूसरी साइड विजिट करते हैं, इंटीरियर भी मज़ीद आपको विजिट कराएंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये हल्के फुल्के स्क्रैच हैं, और ये देख सकते हैं निशान वगैरह, और टायर वगैरह जो है इसमें यहाँ से न्यू टायर जो हैं लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। आए इंटीरियर विजिट करते हैं गाड़ी का, ये देखें पावर विंडो यहाँ पे मैंने अगेन पहले भी बताया था फिर बता दूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ के कब्ज़े वगैरह, ये देख सकते हैं नॉर्मल सा है वैसे, अच्छी कंडीशन के अंदर, जो एसी की ठंडक अभी तक फील हो रही है क्योंकि एसी वर्किंग में है। नॉर्मल सा टेप रिकॉर्डर है, मीटर दिखा दूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं कितनी चली वो आप खुद देख लेगा। इंजन रूम विजिट करते हैं, इंजन रूम देख लें, इंजन रूम में किसी किस्म का कोई काम भी नहीं बताया जा रहा, और ऑयल की लीकेज भी नहीं है। ये टिकली भी आपको लगी हुई मिल जाएगी, और कुप्पे जो हैं ओके हालत में, ये देख सकते हैं कुप्पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मली बैटरी जो होती है गाड़ियों में छोटी लगी होती है, इस गाड़ी के अंदर आपको बैटरी थोड़ी बड़ी लगी मिलेगी, ठीक है। ये फ्रंट की पट्टी देख सकते हैं हल्का फुल्का इसका कलर निकल गया। और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या मॉडल है दोस्त? बलिनो 2003। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हो इसकी सबसे पहले? 6.5 लाख। कमी बेशी थोड़ी बहुत? नहीं कुछ भी। अच्छा CPLC क्लियर है? क्लियर है। टैक्स पे है? सर क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स? क्लियर है। अच्छा गाड़ी कहाँ विजिट कर सकते हैं, आपकी लोकेशन? स्पार्को हेडक्वार्टर, ठीक है। फोन नंबर बता दो दोस्त। 0303-266-3861। अच्छा इंजन में कोई काम वगैरह तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं। AC CNG सब क्लियर है, पेट्रोल पे AC क्लियर है, मतलब CNG है इसमें? नहीं
जी सीएनजी लगी हुई है? सीएनजी थी, अभी हटाई हुई है। मतलब पेट्रोल पे चला रहे हैं, एसी ओके हालत में, मतलब चिल है। चिल है। 2010-13 की रजिस्ट्रेशन है, वाइट कलर के अंदर विड्स गाड़ी चेक करें माशाल्लाह। तकरीबन जो गाड़ी है जेन्युइन हालत के अंदर ये गाड़ी आप लोग को मिलेगी। और एक साइड जो है इसकी शावर बताई जा रही है। चलते हैं गाड़ी के क्लोजअप में, देख सकते हैं बोनेट वगैरह, सॉरी बम्पर वगैरह देख सकते हैं। पहले बम्पर किस कंडीशन में है, यहाँ से कोई स्क्रैच वगैरह या धब्बा वगैरह किसी किस्म का नहीं है। लाइटें देख सकते हैं, लाइटें ओके हालत के अंदर इसकी लाइटें मिलेंगी। ये देख सकते हैं बोनेट पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं, हल्का से ये बस इतना सा माइनर सा है, मैंने फिर भी बता दिया ठीक है। ये देख सकते हैं कोई निशान इतना ख़ास नहीं है। दूसरी साइड विजिट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं टायर इसके अच्छे टायर इसके अंदर न्यू टायर जो मुझे लगते हैं लगे हुए हैं, और अलॉय रिम भी इसके अंदर अच्छे लगे हुए मिल जाएंगे आपको। ये देख सकते हैं यहाँ कोई इतने ख़ास निशान वगैरह आपको नहीं दिखाई दे रहे, ना मुझे दिखाई दे रहे। बैक विजिट करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ भी टायर न्यू टायर्स के अंदर जो लगे हुए हैं। छत देख सकते हैं, छत पे किसी किस्म का स्क्रैच निशान धब्बा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। बैक विजिट कर, ये बैक देख सकते हैं, बैक का जो बम्पर है आधा आपको वाइट दिखेगा आधा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि चमक पट्टी वगैरह लगाई हुई है, ऐसा कोई सीन हुआ हुआ है ठीक है। यार गला खुश हो गया हमारा बोल बोल के, धूप इतनी कड़क है। आप लोग ने सब्सक्राइब फिर भी नहीं करना भाई, सब्सक्राइब तो करना ही नहीं है किसी हालत में भी। लाइट देख सकते हैं, लाइट जो है ओके है, कहीं से टूटी नहीं है, ना फेड हुआ है कलर इनका। ये देख सकते हैं विड्स टोयोटा ठीक है। यहाँ से आपको मैंने गाड़ी विजिट कराई, नए साइड विजिट करेंगे, फिर इंटीरियर विजिट करेंगे। ये देख सकते हैं अलार्म इसके अंदर सही लगे हुए हैं कहीं से, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके एक लंबी सी ये धार चल रही होगी, ये निशान है। उस साइड पे कोई निशान नहीं दिखा था, बस ये एक आके दिखा। यहाँ पे भी कोई इतना कोई ख़ास स्क्रैच आपको नहीं दिख रहा होगा। इंटीरियर विजिट करते हैं, ये पावर विंडो के साथ ये गाड़ी आपको मिलेगी। डैशबोर्ड देख सकते हैं, नॉर्मल सा एंड्रॉयड पैनल भी इसमें लगा हुआ मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक है ठीक है। विड्स की एक मेरे भाई की बहुत डिमांड थी यार, 2010 या 11 का मॉडल विड्स की बनाना, तो मैं उसके लिए शेयर कर रहा हूँ ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी वगैरह ओके हालत के अंदर गाड़ी में लगी। इंजन रूम विजिट करते हैं, इंजन रूम देख सकते हैं बहुत खाली खाली हालत में आपको मिलेगा ठीक है। यहाँ पे वरना कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी हुई होती हैं। देख सकते हैं बैटरी जो है नॉर्मल सी है, वैसे टर्मिनल जो है इसके न्यू लगे हुए आपको मिलेंगे ठीक है। ये देख सकते हैं इंजन में ऑयल की कहीं लीकेज वगैरह नहीं है। कुप्पे जो है ओके हालत के अंदर कुप्पे आपको मिलेंगे, रिपेयरिंग कुप्पे नहीं है, वरना नॉर्मली जो पुराने मॉडल की गाड़ी होती है उनमें कुप्पे जो होते रिपेयर होते हैं, और ये इतनी पुराने मॉडल की गाड़ी तो है नहीं जो इसके कुप्पे रिपेयर की होंगी ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से भी ओके हालत के अंदर है गाड़ी। आए ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या मॉडल है गाड़ी? 10-13 है। 10-13 जी ठीक है। बाहर से शावर है? नहीं शावर नहीं है, ओरिजिनल है। थोड़ा टचिंग है, हल्का फुल्का साइड पर टच अप है। CPLC क्लियर है? हाँ सी पी एस सी। टैक्स सब कुछ ठीक है। गाड़ी की क्या एक फाइनल डिमांड करते हैं? फाइनल 16 होगा। फाइनल 16? हाँ 16.5 रखे हैं, लेकिन 16 होगा फाइनल। कमी बेशी नहीं होगी? नहीं नहीं, इसमें अभी तो आप कुछ और डिमांड कर रहे थे यार। 16.5 बताए आप ठीक है। फ़ोन नंबर बता दें। 0345-2573-142। एक बार फिर बता दें फ़ोन नंबर। 0345-2573-142। 95 के मॉडल की खैबर ओरिजिनल कंडीशन है गाड़ी जो है पूरी माशाल्लाह। गाड़ी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो बोनेट है उस पर स्क्रैच वगैरह नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो इसका कलर है वाइट वाइट सा वो आ जाता है। वाइट वाइट नहीं, ब्लैक जो है इसका क्या कहलाते हैं बम्पर है उस पर आ जाता है। सॉरी मैंने शायद गलती से पहले बोनेट बोल दिया होगा, माफ़ करना, गलती में इधर उधर निकल जाते हैं हम लोग भी। ये देख सकते हैं लाइटें वैसे ओके हालत की, जिसकी जो लाइटें हैं वो आपको मिलेंगी, और जिसमें फ्रंट की ग्रिल है दूसरी है, वरना नॉर्मली 3 पट्टियों वाली चल रही होती हैं। बोनेट में दिखा दूँ, बोनेट पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है और ओरिजिनल है। आए दूसरी साइड विजिट करते हैं गाड़ी। ये साइड गाड़ी की देख सकते हैं, ये वाली साइड जो है थोड़े निशान आपको बारीक बारीक दिख रहे होंगे, और ये देख सकते हैं यहाँ से कलर चेंज है, यहाँ से थोड़ा लाइट है, क्योंकि ये है ओरिजिनल गाड़ी माशाल्लाह। वैसे गाड़ी आप लोग को मैं दिखाता चलूँ, ये वाली साइड जो है ओके है, कहीं स्क्रैच वगैरह नहीं है, जस्ट कलर इसका चेंज हो गया है, यहाँ से जो फेड पड़ गया है कलर। टायर वगैरह मैं आपको दिखा दूँ, जो टायर इसके अंदर न्यू टायर इसके अंदर ग्रुपिंग टायर आपको लगे हुए मिल जाएंगे। बैक विजिट करेंगे, छत भी दिखा देता हूँ, छत पे किसी किस्म कोई निशान स्क्रैच कुछ भी नहीं है। बैक की तरफ चलते हैं, बैक देख सकते हैं, बैक का जो बम्पर है वो भी ओके है, कहीं से टूटा भी नहीं है और क्रैक भी नहीं है, बस कलर हल्का फुल्का निकल गया क्योंकि मॉडल बहुत पुराना है। ये लाइट वैसे न्यू लाइट्स लग रही हैं जो मुझे लगता है, ये वाली भी न्यू लग रही है। शीशा देख सकते हैं, शीशा भी ओके है, एसी वर्किंग तक वर्किंग के अंदर आपको मिलेगा, ठीक हो गया। यहाँ से ये टायर देख सकते हैं, ये वाला भी टायर जो चारों टायर इसके हैं वो न्यू ही लगे हैं ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैच नहीं है, हल्का सा कलर इसका निकल गया है। इंटीरियर विजिट करते हैं,
इंटीरियर देख सकते हैं और माशाल्लाह जो गाड़ी है यार, ओरिजिनल हालत के अंदर आपको ये गाड़ी मिलेगी। ये देख सकते हैं सीट्स इसकी जो है, सीट बहुत अच्छी सीट्स इसके अंदर कट सीट्स हैं, ये देख सकते हैं कट सीट्स आपको मिलेंगी। इंटीरियर मैंने आपको यहाँ से दिखाया, इंजन रूम खुला हुआ है तो जल्दी से भाग के इंजन रूम भी विज़िट कर लेते हैं। इंजन रूम देख सकते हैं, इंजन रूम माशाल्लाह साफ हालत के अंदर इंजन रूम मिलेगा, कहीं से ऑयल वगैरह नहीं टपक रहा, ना लीकेज है, ना कोई सील इसकी लीक है। बैटरी न्यू बैटरी इसमें AGS की न्यू बैटरी लगी हुई है। कुप्पे जो है वो ओके हालत के अंदर दोनों कुप्पे आप लोग को ये देखें मिल जाएंगे, और ये फ्रंट पे टिकली भी आपको लगी हुई मिल जाएगी। ऑनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है। कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। गाड़ी क्या मॉडल है खैबर? ये 95 है भाई। 95। अच्छा, इस पर कोई टचअप वचअप है भाई? एक आठ पीस हो तो हो, बाकी गाड़ी पूरी जेन्युइन है, चारों टायर नए, ऐसी वर्किंग के अंदर है, CNG लगी हुई है, CNG वर्किंग के अंदर है, हर चीज़। अच्छा, CPLC सर, चीज़ डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, वो टैक्स भी पे इसका? हाँ, टैक्स भी पे। ठीक हो गया। फाइनल डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? 4,10,000 रुपये मांग। और थोड़ी बहुत? 4,00,000 रुपये में छोड़ दें। 4,00,000। ठीक है, फ़ोन नंबर बता दें। 03062598160। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैबर मैंने आप लोग को जैसे दिखाई, आप लोग बोल रहे होंगे इस खैबर की थोड़ी डिमांड क्यों ज़्यादा है, तो डिमांड इसलिए ज़्यादा है, गाड़ी देख लिया आपने ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है और कहीं से टचअप वचअप इतना कोई ख़ास नहीं है, इसलिए डिमांड थी ज़्यादा। मैंने कहा इस तरह की खैबर भी ऐड करें, क्योंकि ये खैबर जो है कल्टस की टक्कर पे होती है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें अपने भाई को, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।